बैठक में सबसे पहले मनीष जी ने दिल्ली के गवर्नेंस के बारे में बताया सभी साथियों को, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या हमारे उपलब्धियां रही हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद आज देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों ने और उन राज्यों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट रखी, जिससे ये पता चला कि आज हमारा संगठन देश में कहाँ पे किस स्तर पर है और आगे आने वाले समय में हमें क्या क्या कदम कहाँ कहाँ उठाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर चर्चा हुई। आज देश की जो परिस्थितियाँ हैं, जिसमें बेरोजगारी, आर्थिक समस्या और किसानों के मुद्दे जो आजकल फोरफ्रंट पे हैं, वो एक देश के सामने बहुत बड़ी समस्याओं के रूप में उभरे हैं। आज पार्टी के सभी साथियों ने, लगभग 300 साथी जो आज यहाँ मौजूद थे, उन सभी ने इसके ऊपर बैठकर चर्चा की, अलग अलग ग्रुप्स में बैठकर चर्चा की और सभा के अंत में हमने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया इन सभी मुद्दों के ऊपर, जिसके ऊपर संजय भाई अभी आपके सामने बात रखेंगे। और अंत में अरविंद जी ने, जो कि पार्टी के कन्वीनर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली में क्या हो रहा है और आगे वाले आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर बात रखी। तो इस तरह से आज का पूरा हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न रहा और हम जिन मुद्दों पर आज चर्चा की, उसके ऊपर आज संजय भाई अब अपनी बात रखेंगे कि हमने क्या आज रिजोल्यूशन पास किया। नमस्कार साथियों, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश में उत्पन्न आर्थिक संकट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा किसानों की जो बदहाली है उसके बारे में चर्चा की गई और देश का युवा जिस तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहा है उसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ केंद्रीय लोकपाल और राज्य का जन लोकपाल बिल जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, पास नहीं किया गया है, उसके बारे में भी आज राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं विस्तार से उन बिंदुओं के बारे में बताना चाहूंगा। किसानों के लिए जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, उसमें हमारा ये मानना है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें थीं। एक तो ये था कि लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देंगे, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन आज तक वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर इसी सरकार ने एफिडेविट देके कहा कि अगर हम किसानों को बढ़ा हुआ दाम दे देंगे तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, जो निराधार तर्क है, क्योंकि देश में महंगाई कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण बढ़ रही है, किसानों को उचित दाम देने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, किसानों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया कर्ज माफी के नाम पर, उसके लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद में पास हुआ है कि जिस प्रकार से कॉरपोरेट घरानों के कर्जे माफ किए जाते हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया गया है, उसी तरह से देश के किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए। तीसरा, किसानों ने जो पिछले दिनों आत्महत्या की है आर्थिक संकट के कारण, अपनी फसल बर्बादी के कारण, परिवार की बदहाली के कारण, उन किसान परिवारों के सभी जितने भी परिवारों के लोगों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 20 लाख रुपए का मुआवजा उस परिवार को दिया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने मांग की है कि पूरे देश के अंदर फसलों की बर्बादी पर जैसे दिल्ली सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है, ऐसे ही केंद्र सरकार भी किसानों को मुआवजा दे। दूसरा था युवाओं के लिए प्रस्ताव।
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन आज देश का युवा सबसे ज्यादा निराश है। भाजपा की केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। मोदी जी ने वादा किया था कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नौकरियां देना तो दूर की बात है। 45% रोजगार घटा है इस सरकार में। पिछले 3.5 वर्षों में मोदी जी के राज में 45% रोजगार घटा है। ये गंभीर चिंता का विषय है और जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद ने अपनी चिंता व्यक्त की। हमने उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव केंद्र सरकार को दिया है और कुछ प्रस्ताव पारित किया है। युवाओं की शिक्षा रोजगार मुखी हो, आर्थिक विकास के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, युवकों को शिक्षा और रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट तथा खेलकूद के लिए विश्व स्तरीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ साथ उच्च स्तरीय शिक्षा, मेडिकल इंजीनियरिंग, स्कूली शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया जाए, युवा उद्यमियों को छात्रों के लिए किसी सिक्योरिटी, युवा उद्यमियों और छात्रों के लिए जो पढ़कर निकलते हैं उनको बगैर सिक्योरिटी के लोन की व्यवस्था सरकार कराए, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोगों ने, आर्थिक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें आज देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है। किस प्रकार से देश की जीडीपी 5.7% पहुंच गई है और इस पे 2 प्रमुख कारण राष्ट्रीय परिषद ने माना है, 1 नोटबंदी और 2 जीएसटी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर मोदी सरकार देश के सामने श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि इससे हमको क्या फायदा और नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रस्ताव हमने पारित किया है, देश की जीडीपी 5.7% पहुंच गई, ये लगातार गिरती जा रही है। यह सरकार की जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों का कारण है। देश को नोटबंदी तथा जीएसटी के दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। बैंकों के ब्याज दर घटाकर बड़े लोन डिफॉल्टरों की मदद की गई, छोटे निवेशकों का नुकसान पहुंचाया गया। देश के अंदर 13.5 लाख एनपीए बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के द्वारा, जो अपने उद्योग के नाम पर लाखों करोड़ का कर्जा दिया गया है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्ट्रेस्ड लोन कहा जा रहा है, उसके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है कि उन सारे डिफॉल्टर्स की लिस्ट केंद्र सरकार देश के सामने सार्वजनिक करे। अगर बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ लेके बैठे हैं और देश के किसान को 10,000 रुपए के लिए हवालात में बंद किया जा रहा है, ये दोहरी व्यवस्था है। सारे डिफॉल्टर्स के जितने भी बकाया हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस मान के उनकी संपत्तियों को अटैच किया जाए, उनके कितने लोन हैं वो सार्वजनिक किए जाएं और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सरकार करे, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। और अंतिम प्रस्ताव जो इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने जोड़ा है, जन लोकपाल को लेकर। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण इस देश में हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल कानून पास करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध रही है। पहले दिन से हम लोगों ने जन लोकपाल कानून दिल्ली की विधानसभा में पास किया है। दिल्ली की विधानसभा ने जो जन लोकपाल कानून पास किया, उसके आधार पर कार्रवाई जो भी होगी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के कर्मचारी, दिल्ली के अधिकारी पर होगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या डर केंद्र सरकार को सता रहा है कि जो सरकार अपने लिए खुद कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी कानून जन लोकपाल लाना चाहती है, वो जन लोकपाल कानून अब तक क्यों रोका गया है। इसलिए जन लोकपाल कानून पास किया जाए, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ जो लोकपाल कानून केंद्र का पास हुआ था, वो आज तक ना तो राज्य में ना केंद्र में कहीं भी नहीं लागू किया गया। उस लोकपाल कानून को सरकार ने अब तक क्यों रोक के रखा है? जब मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ना हमारा संकल्प है, तो लोकपाल जैसा प्रभावी कानून वो अब तक क्यों नहीं लागू कर पाए हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्रीय लोकपाल और दिल्ली राज्य का जन लोकपाल दोनों पास किया जाए। अंतिम जो प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है, वर्तमान में केंद्र द्वारा अघोषित आपातकाल जैसे माहौल की आम आदमी पार्टी निंदा करती है, तटस्थ तथा निर्भीक पत्रकारों की हत्या, पुलिस द्वारा उनको बंद किया जाना, उनके कार्रवाई की जानी उनके खिलाफ, टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों के संपादकों पर दबाव डालकर खबरों को एक ही पक्ष में दिखाने को विवश करना, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा कुठाराघात है। आने वाले राज्यों के चुनावों के कारण एक रणनीति के तहत देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता तथा डर के माहौल पर भी आम आदमी पार्टी काफी चिंतित है तथा समाज के सभी वर्गों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करती है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा अगले सारे चुनाव वीवीपैट मशीनों के साथ 25% बूथों पर पेपर ट्रेल की अनिवार्य रूप से गणना कराने की मांग करती है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की मदद से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने और रोकने की काम में बाधा डालने की घोर निंदा करती है। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक राजनीति में अपनी प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त करती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय मिल सके। ये आज प्रस्ताव पारित किया गया है राष्ट्रीय परिषद की बैठक। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, कुमार विश्वास पर क्या बैठक में कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कुछ अपनी बात रखी, क्या बातचीत हुई? बैठक में आज सभी राज्यों के प्रभारी जितने भी थे, सभी राज्यों के प्रभारियों ने अपने राज्य के अंदर जो पार्टी ने राजनीतिक गतिविधियां की हैं, उस राज्य में जो समस्याएं हैं उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है उसके बारे में, और जो संगठन की स्थिति है बूथ स्तर तक, विधानसभा स्तर तक, जिला स्तर तक, राज्य के स्तर पे, उस संगठन की स्थिति के बारे में सभी साथियों ने आज अपनी रिपोर्ट रखी है, राज्यों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट रखी है, और किसी भी प्रकार का न कोई आपसी विवाद, न मतभेद, न कोई आलोचना निंदा, इसमें पूरी मीटिंग का समय एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मुख्य वक्ताओं में नहीं रखा गया, जबकि इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें वो प्रेजेंटर रहे हैं, वही सब मंच, और इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, अंदर ये बोला उन्होंने, इसलिए कुछ बोला नहीं उन्होंने। नहीं, बिल्कुल जो मैंने आपसे कहा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, गोपाल राय जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, गुजरात के प्रभारी हैं, पंकज जी जो हमारे सचिव हैं ये कर्नाटका के, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, तो सब सबको बोलने का अवसर दिया गया, सबने अपने राज्य की स्थिति के बारे में, वहाँ के संगठन और वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, क्या पार्टी ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया उसके बारे में। लेकिन जो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है उस पर क्या, इस बात का कारण क्या था कि हमेशा वो मुख्य वक्ताओं में होते थे, इस बार मुख्य वक्ता में उनका नाम नहीं था? बड़ा छोटा मत बनाइए, पार्टी कहीं से किसी का कद कम करने या ज्यादा करने में यकीन नहीं रखती। निश्चित तौर पर जो सारे राज्यों के प्रभारी थे उनको सबको बोलने का मौका दिया गया, राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट कहने के लिए उनको।